नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बालू माफिया के हमले को लेकर अलर्ट में बिहार सरकार। मुफ्त दवा मुहैया कराने में देश में बिहार का दूसरा स्थान। राज्य का मौसम रहेगा शुष्क। कोरोना महामारी को लेकर WHO ने किया बड़ा खुलासा। मुंबई पर चेन्नई की शानदार जीत। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। CRPF ने 212 पदों पर निकाली वैकेंसी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के द्वारा SI और असिस्टेंट SI के 212 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए CRPF की आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मई तक निर्धारित की गई है। मुफ्त दवा मुहैया कराने में देश में बिहार का दूसरा स्थान। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिससे यह खुलासा हुआ है कि पूरे देश में मरीजों को मुफ्त दवा मुहैया कराने में बिहार दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर राजस्थान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रिपोर्ट मंत्रालय के द्वारा अप्रैल महीने में जारी की गई थी, जिससे यह बात निकलकर सामने आई है कि बिहार में 66.94 मरीजों को मुफ्त में दवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि देश के बाकी सभी राज्यों केवल राजस्थान को छोड़कर बाकी सभी से अधिक है। मालूम हो कि राजस्थान में 76.02% मरीजों को मुफ्त में सरकार की ओर से दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती है। वहीं बिहार का इस क्षेत्र में दूसरा स्थान हासिल करना बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। बिहारी पोत्री में आज हम बात करेंगे मुश्ताक अहमद नूरी के बारे में। मुश्ताक अहमद नूरी का जन्म आज ही के दिन 1950 में हुआ था। यह एक भारतीय लेखक और आलोचक है। इन्होंने एक सरकारी अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और कैबिनेट मंत्री के 2 बार सचिव के रूप में उन्होंने बिहार उर्दू अकादमी के सचिव के रूप में सेवा की। उनका लेख भारत के ज्यादातर प्रतीक उर्दू प्रकाशन में पाया जा सकता है। मुश्ताक अहमद नूरी को 2017 में बज़्म-ए-सदफ़ इंटरनेशनल अवार्ड गुलाम द्वारा महफिल ए उर्दू पुरस्कार, 2009 में कर्नाटक बेरी साहित्य अकादमी मानद पुरस्कार और 2017 में बज्म ए उर्दू कतर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मुश्ताक अहमद नूरी ने जश्न ए उर्दू की भी शुरुआत की। यह उर्दू शिक्षकों को सरकार से जोड़ने का एक कार्यक्रम था। बालू माफिया के हमले को लेकर अलर्ट में बिहार सरकार। इन दिनों बिहार में बालू माफिया का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बता दें कि अब इनका आतंक इतना बढ़ता जा रहा है कि यह खनन पदाधिकारियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। मालूम हो कि इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अब बिहार सरकार काफी अलर्ट मोड में आ चुका है और यह फैसला लिया गया है कि अब ऐसी परिस्थिति का सामना खनन पदाधिकारी खुद कर सके और उन्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता महसूस न हो, इसके लिए उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खनन पदाधिकारियों को यह ट्रेनिंग खान एवं तत्व विभाग के द्वारा दी जाएगी। मालूम हो कि ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी है और 2 हफ्ते तक पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। बता दें कि इस संबंध में विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हड़ा के द्वारा उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक को पत्र भेज दिया गया है। बिहार में शोध के लिए साथी केंद्र स्थापित। भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसकी मदद से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवविचार को बढ़ावा मिल सके। बता दें कि इस पहल के तहत केंद्र सरकार की ओर से साथी केंद्र की स्थापना की गई है। बता दें कि इसकी शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया है। मालूम हो कि प्रत्येक साथी केंद्र लगभग 125 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि DST के द्वारा 4 वर्षों तक हर साल 5 साथी केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई गई है। वहीं इस केंद्र के लिए IIT पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन केंद्रों की मदद से महंगे उपकरणों की पहुंच, उनके रखरखाव, संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ साथ दोहराव जैसी समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। अपने बेटे को लेकर मनीष कश्यप की मां ने दिया बड़ा बयान। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हुई कथित हिंसा को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में मनीष कश्यप पर हुए दर्ज मामले को लेकर फिलहाल वह जेल में है। वहीं अब मनीष कश्यप की मां के द्वारा मनीष कश्यप को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। बता दें कि मनीष कश्यप की मां का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अपनी पीड़ा बता रही हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके बेटे के साथ व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहा और आज वह बंद है। मेरा दिल ही जान रहा है कि उन्हें कितना बुरा लग रहा।
तारीख पर तारीख मिल रही है सबूत इकट्ठा करने की, लेकिन जब मेरे बेटे ने गलती ही नहीं की तो सबूत कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय और भगवान पर भरोसा है। इसके साथ ही मनीष कश्यप की मां ने यह भी कहा कि उसके आने के बाद अब वह मनीष कश्यप को पत्रकारिता नहीं करने देंगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज से आवेदन की शुरुआत। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के द्वारा जारी की गई तिथि के अनुसार आज यानी कि 7 मई से बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि BCECE में एडमिशन लेने के लिए आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवार BCECEboard.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जून तक निर्धारित की गई है। वहीं अगर आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधारने का समय 4 से 5 जून रात 11:59 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि अब तक परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। मालूम हो कि इसमें आवेदन करने पर आप स्नातक स्तरीय कृषि, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी समेत कई विषयों के लिए एडमिशन ले सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे शहीद स्मारक के बारे में। शहीद स्मारक बक्सर में घूमने वाली एक मुख्य जगह है। शहीद स्मारक बक्सर जिले में रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। यहां पर आपको शहीद स्मारक देखने के लिए मिलता है जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए जान नौछावर करने वाले वीरों को समर्पित है। यहां पर आपको एक बड़ी सी झील देखने के लिए मिलती है। झील के बीच में शहीद स्मारक बना हुआ है। झील के बीच में टापू बना हुआ है। इस टापू में जाने के लिए पुल बना हुआ है। इस झील को कमलदह पोखर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आकर आपको अच्छा लगेगा। आप पर आसानी से पहुंच सकते हैं और अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। सीएनजी से चलेंगे बिहार की राजधानी में बसें। बिहार की राजधानी पटना में अब डीजल से चलने वाली बसों की जगह सीएनजी से चलने वाली बसों के परिचालन की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2023 के तहत डीजल चालित निजी बसों को नए सीएनजी बसों से प्रतिस्थापन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निजी डीजल बस संचालक के द्वारा 27 मई तक आवेदन किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन बसों का परिचालन 30 सितंबर 2023 से शुरू होगा, जो कि पटना नगर निगम दानापुर खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में चलेगा। कोरोना महामारी को लेकर WHO ने किया बड़ा खुलासा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल यह खुलासा WHO के अध्यक्ष के द्वारा ट्वीट के जरिए किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कल COVID-19 आपातकालीन समिति ने 15वीं बार बैठक की और वहां मुझे बताया गया कि अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान कर देना चाहिए। मैंने वह सलाह मान ली है और अब मैं बड़ी आशा के साथ COVID-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल खत्म करने का घोषित करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WHO के द्वारा वर्ष 2020 में 30 जनवरी को कोरोना महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। नेपाल में 4 बिहारी मजदूरों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताई संवेदना। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हुए लैंडस्लाइड में बिहार के 4 युवक उसके चपेट में आ गए और इस दर्दनाक हादसे में उनकी जान चली गई। वहीं उनके दर्दनाक मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शोक व्यक्त करते हुए संवेदना जताई गई है। इसके साथ उन्होंने यह भी घोषणा की है कि नेपाल में हुए लैंडस्लाइड में जिन 4 बिहारी मजदूरों की मौत हुई है उनके परिजनों को बिहार सरकार की ओर से अनुग्रह अनुदान के रूप में 2-2 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 4 युवक बिहार के किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड स्थित बैरबन्ना गांव निवासी हैं, जो नेपाल में मजदूरी करने के लिए गए थे। वहीं मजदूरी करने के दौरान पहाड़ खिसक गया और चारों उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौतें हो गई। सासाराम में नोट लूटने के लिए नहर में कूदे लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि नहर में आपको नोटों का गड्ढा मिल सकता है? हमारे मन में एक न एक बार ऐसा ख्याल जरूर आता है। बता दें कि अब ऐसी ही एक घटना बिहार के सासाराम में घटित हुई है, जहां लोग नोट लूटने के लिए नहर में कूद गए। इस नोट लूटने की भीड़ में बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सभी शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला रोहतास के मुफस्सिल थाना के मुरादाबाद के पास स्थित नहर का है, जहां लोगों के बीच अफरा तफरी तब मची जब लोगों को यह सूचना मिली कि नहर में नोटों की गड्ढी है। वहीं जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली और वह वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वहीं इस घटना पर पुलिस का कहना है कि यह मात्र एक अफवाह थी, तक हम लोग वहां पहुंचे वहां कुछ नहीं था। बता दें कि इस घटना का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। बिहार का यह युवक व्हीलचेयर पर कर रहा भारत की सैर। बिहार का एक ऐसा युवक
जो व्हीलचेयर पर भारत की सैर कर रहा है। बता दें कि हम जिस युवक की बात कर रहे हैं वह बिहार के गया का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद हसन इमाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इमाम यह यात्रा सुगम भारत अभियान के तहत कर रहा है और इस यात्रा का उसका यह उद्देश्य है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सभी जगह जहाँ आम इंसानों के लिए सीढ़ियाँ बनी है वहाँ रैंप भी बने ताकि अक्षम लोग भी वहाँ पहुँच सके। मालूम हो कि अब तक मोहम्मद हसन इमाम के द्वारा 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जा चुकी है और वह अपनी इस यात्रा की समाप्ति कन्याकुमारी से सियाचिन ग्लेशियर तक 5000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन साथ ही उन्हें इस यात्रा का आनंद भी मिल रहा है। राज्य का मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। अब बिहार में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अब गर्मी से बचने और सावधान रहने को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। प्रदेश में अब बारिश की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार किया जा रहा है। पटना मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 5 दिनों तक किसी भी तरह की बारिश होने की संभावना से इनकार किया गया है। अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान लू जैसे हालात देखने को भी मिल सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इन दिनों दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है। 8 मई तक इसके एक डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना जताई जा रही है। बापू टावर के दीवार पर लगेगा तांबा। हम अक्सर देखते हैं कि दीवार पर पत्थर लगाए जाते हैं, लेकिन अब राज्य में दीवार पर पत्थर की जगह तांबा का इस्तेमाल किया जाने वाला है। बता दें कि यह तांबा बिहार की राजधानी पटना में 72 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बापू टावर के बाहरी दीवार पर लगाया जाएगा, ताकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से तांबा इंद्रधनुषी के रंग में बदलता रहे और समय के साथ इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बापू टावर के बाहरी दीवार पर 42,000 किलो तांबा का परत लगाया जाएगा। इसके साथ बापू टावर के आयताकार भवन के बाहरी दीवार में सैंड स्टोन को उकेर कर महात्मा गांधी का चित्र बनाया जाएगा। मालूम हो कि इस टावर में महात्मा गांधी से जुड़े कई इतिहास से लोगों को अवगत कराया जाएगा। जगदानंद सिंह और पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज। 13 मई को बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्यक्रम को लेकर बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं, लेकिन जब से उनके आगमन की बात हुई है तब से राजनीतिक गलियारों में लगातार बयानबाजी जारी है। बता दें किसी बयानबाजी को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और चाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। दरअसल इनके द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा बागेश्वर के खिलाफ विवादित टिप्पणी दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों नेताओं के खिलाफ जो परिवाद दायर कराया गया है वह मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सह अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह के द्वारा करवाया गया है। मालूम हो कि इनके खिलाफ दफा 295A, 153, 153A, 505 और 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 मई को की जाएगी। सम्राट चौधरी को श्रवण कुमार ने कहा बच्चा। बीते दिन बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी को लेकर अपना बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि अब हम सम्राट चौधरी के बारे में क्या बोले, वो राजनीति में अभी बच्चा है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को राजनीति में बड़ी जगह मिल गई है, इसलिए उन्हें अपने पद का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को किसी के ऊपर बोलने से पहले खुद के गिरिबान में झांकने की जरूरत है, उन्हें और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बता दें कि श्रवण कुमार के द्वारा यह बयान सम्राट चौधरी के द्वारा सीएम नीतीश कुमार के मेमोरी लॉस को लेकर दिए गए बयान पर दिया गया। बजरंग दल पर बैन को लेकर चिराग पासवान का सीएम नीतीश को चुनौती। इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में बजरंग दल को लेकर बयानबाजी की जा रही है। वहीं अब इसी कड़ी में बजरंग दल पर बैन को लेकर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने घेरे में लिया गया है। दरअसल उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश को चुनौती दी और कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वह बजरंग दल को बैन करके दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संगठन के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए करना गलत है। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष के द्वारा कर्नाटक चुनाव में इसका विरोध किया जा रहा है, तो बाकी के विरोधी दल भी इस बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। इस दिन सीएम नीतीश मिलेंगे नवीन पटनायक से। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बनाई जा रही विपक्षी एकता को लेकर मुलाकात हो सकती है। तो आपको बता दें कि अब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की तारीख को फाइनल कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवीन पटनायक से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उड़ीसा जाने वाले हैं। मालूम हो कि नीतीश कुमार 9 मई यानी कि मंगलवार को नवीन पटनायक से मिलने के लिए उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। वहीं
9 मई की दोपहर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी विपक्षी एकता को लेकर कई विपक्षी पार्टी के मुख्य नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। मुंबई पर चेन्नई की शानदार जीत। बीते दिन आईपीएल 2023 के 16वें सीजन के 49वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। बता दें कि इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा यह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया। इसके बाद मुंबई इंडियंस के द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 139 रन बनाया गया, जिसका पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा 140 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार शुरुआत की, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर में 140 रन बनाते हुए जीत अपने नाम कर लिया। वहीं आज 3:30 बजे से गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच और राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स अब अंक तालिका पर दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। बम्बई में पहले इलेक्ट्रिक ट्राम कार का संचालन 1907 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी की आधारशिला 1973 को ईटानगर में रखी गई। भारतीय मूल के लेखक सलमान रजदी के खिलाफ ईरानी फतवे के बाद 1989 में ब्रिटेन और ईरान के बीच राजनयिक संपर्क टूट गया। गुजरात के हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने 2002 में गंभीर चिंता जताई। नोबेल पुरस्कार प्राप्त बंगला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ। गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार पन्नालाल पटेल का जन्म 1912 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों में से एक केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 1968 में हुआ। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का निधन 2001 में हुआ। बालघर में आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत हर किसी को आधार कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नहीं, यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। तथ्यों की सही जाँच के बिना अपनी आधार संबंधित जानकारी किसी के साथ साझा न करें। अब पालतू बिल्ली और कुत्ते के साथ करें ट्रेन में सफर। अगर आप भी चाहते हैं कि ट्रेन में सफर करने के दौरान आपके साथ आपका पालतू कुत्ता और पालतू बिल्ली भी मौजूद रहे तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए एक नई सौगात लाई गई है, जिसके तहत रेलवे के द्वारा AC1 क्लास में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की रियायत शुरू की जाने वाली है। मालूम हो कि रेलवे की ओर से एक सर्वे किया गया था, जिससे यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि कई लोगों के द्वारा अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली के साथ यात्रा करने के लिए प्लेटफॉर्म के पार्सल बुकिंग काउंटर से टिकट बुक करना होता था, जिससे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। यात्रियों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए रेलवे की ओर से यात्रियों को यह सौगात दी गई है और अब लोग ऑनलाइन तरीके से अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर अनजान कॉलर्स की कॉल को म्यूट करना होगा आसान। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया फीचर पेश करने वाला है, जिसकी मदद से आप अनजान कॉलर्स की कॉल को आसानी से म्यूट कर सकते हैं। WA Beta Info की रिपोर्ट के मुताबिक ऐप ने एंड्रॉइड 2.23.10.7 अपडेट के लिए व्हाट्सएप बीटा के साथ इस फीचर को पेश किया है। इससे बीटा टेस्टर ऐप पर अनजान कॉल को साइलेंट कर सकते हैं। यूजर्स इस टॉगल को एक्टिव कर सकते हैं और स्पैम फोन नंबरों से कॉल को म्यूट कर सकते हैं। एंड्रॉइड 2.23.10.6 अपडेट के लिए व्हाट्सएप बीटा एक नई यूजर इंटरफेस के साथ आता है, जो एंड्रॉइड यूजर्स को आईफोन जैसा निचला नेविगेशन बार देता है। यूजर्स को दूसरे टैब के बीच आसानी से स्विच करना आसान बनाएगा। वह वर्तमान में केवल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है और धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। ललन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बोला हमला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा कर्नाटक में दिए गए बयान को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा उन पर जमकर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश के सामने न तो घुटना टेका है और न कभी टेकेगा। जेपी नड्डा के द्वारा जो बयान दिया गया है वह उनके राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के कण कण पर हमें गर्व है, लेकिन नड्डा जी को हमारे देश पर शर्माती है, यह सुनना बहुत ही दुखद है। उन्होंने हमारे देश का अपमान किया है और इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्हें भारत के इतिहास पर ध्यान देना चाहिए और उसके हजारों साल के इतिहास को समझना चाहिए। भारत ने राम और महावीर को भी जन्म दिया। गौतम बुद्ध का भी संदेश यहीं से निकला। यहां महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर जैसे लोग भी थे। इसके साथ ही ललन सिंह के द्वारा जेपी नड्डा को और भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। मालूम हो कि जेपी नड्डा के द्वारा कहा गया था कि 9 साल पहले भारत घुटने टेक कर चल रहा था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है।
बीते दिन माधुरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने माधुरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, रंजीत मिश्रा, सुरुचि कुमारी, कृष्णकांत शर्मा, कुश कुमार यादव, अतीक खान, नरेश राम, सुरेश ओरम, अमित शर्मा, शंकर मुखिया, के सिन्हा, अक्षय सत्यार्थ, गौतम कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में दवाएं मिल पाती हैं या नहीं? अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।